ओम शांति। आज की तारीख है 9/12/22 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक, हम ये जानते हैं कि जो आज गीता के नाम से ज्ञान सुनाया जाता है, ये सारा ज्ञान परमपिता परमात्मा शिव जब सृष्टि पर अवतरित हुए और तब उन्होंने हम बच्चों को जो ज्ञान सुनाया, उस ही ज्ञान को आगे चलकर जब लिखा गया तो उस लिखे हुए पुस्तक को नाम दिया गया श्रीमद् भगवत गीता। तो आज श्रीमद् भगवत गीता में जैसे कुरुक्षेत्र कर्म क्षेत्र की बातें आती हैं, तो आज बाबा ने भी कर्म क्षेत्र को याद करते हुए कहा, मीठे बच्चे तुम कर्म क्षेत्र पर आए हो पाठ बजाने, तुम्हें कर्म जरूर करने हैं। आत्मा का स्वधर्म शांति है, इसलिए शांति नहीं मांगनी है, स्वधर्म में टिकना है। प्रश्न है, बने बनाए ड्रामा को जानते हुए भी बाप तुम्हें कौन सी बात नहीं बतलाते, कारण क्या? उत्तर है, शिव पिता परमात्मा जानते हैं कि कल क्या होने वाला है तो भी वो बताएंगे नहीं। ऐसे नहीं कि कल अर्थक्वेक होंगी ये आज ही बता देवे, अगर बतला दे तो ड्रामा रियल न रहे। तुम्हें सब कुछ साक्षी होकर देखना है, अगर पहले से ही पता हो तो उस समय तुम्हें बाप की याद भी भूल जाएगी। पिछाड़ी की सीन देखने के लिए तुम्हें महावीर बनना है, अचल और अडोल रहना है। बाप की याद में शरीर छोड़े इसके लिए अपनी अवस्था परिपक्व बनानी है। धारणा के लिए मुख्य सार के दो मधुर शिक्षाएं, नंबर एक, किसी भी बात में संशय बुद्धि बन, पढ़ाई नहीं छोड़नी है, अपनी स्थिति अचल और अडोल बनानी है, एक बाप से सच्चा लव रखना है, नंबर दो, अपना टाइम विस्तार की बातों में वेस्ट नहीं करना है, बुद्धि किसी भी कर्म में मलिन न हो, यानी मैली न हो, इसका पूरा ध्यान रखना है। वरदान परमात्मा सतगुरु शिव बाबा का मनसा वाचा कर्मणा और संबंध संपर्क में पवित्रता की धारणा द्वारा परम पूज्य आत्मा भव। परमात्मा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा समझाते हैं कि पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, सिर्फ एक काम विकार को छोड़ा और हम कहे हम पवित्र हैं, नहीं। तो पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य ही नहीं, लेकिन मनसा संकल्प में भी किसी के प्रति नेगेटिव संकल्प न हो, बोल में भी कोई ऐसे शब्द न निकले, संबंध और संपर्क में सबसे अच्छा हो, किसी में जरा भी अपवित्रता खंडित न हो, तब कहेंगे पूज्य आत्मा। तो पवित्रता के फाउंडेशन को चेक करो, सदा स्मृति में रहे कि मैं परम पवित्र पूज्य आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूँ। कोई भी व्यर्थ संकल्प मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता। स्लोगन है,
अपने भविष्य को स्पष्ट देखने के व जानने के लिए संपूर्णता की स्थिति में स्थित रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का या प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।